हो सका तो ग्रुप बना बना कर महिलाओं को थोड़ा जागरूक करना चाहिए। और जो समय वो महिलाएं अपना ये बाबा वगैरह, जैसा कि आपने सुना ही होगा, अब ये एक बाबा का आजकल कोई ना कोई कांड आता ही रहता है, और अगर इन चीज़ों से निकल के अपने आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाने का ग्रुप ऐसा कुछ बना लें तो इससे भी समाज का भलाई होगा। वहाँ ना जाके अगर दिल से सेवा करें गरीब बच्चों की, अपने परिवार में अपने बुज़ुर्गों की सेवा करें, तो शायद बाबाओं के वहाँ जाने का मौका ही नहीं मिलेगा उन्हें। और उन्हें जागरूक करने का तो मैं यही कहूँगी कि जितना भी हो सके वो अपने आसपास अलर्ट रहें, आसपास की चीज़ों को देखते रहें कि क्या हमारे समाज में हो रहा है, कहाँ क्या बुराई है, और उससे जितना भी हो सके बचने की कोशिश करें और अपने आप का उत्थान करने की कोशिश करें। सविता जी, सभी लोग महिलाओं पे ये आरोप लगाते हैं कि अगर ये महिला सुधर जाए तो ये समाज सुधर जाएगा, देश सुधर जाएगा, कि महिलाएं जो अधिकतर अंधविश्वास में रहती हैं, तो उन अंधविश्वास से आप महिलाओं को कैसे निकालेंगी? मेरा कहना ये है सर, इसके लिए तो मैं बस यही कहूँगी कि जो प्रार्थना होती है वो श्रद्धा भाव जो होता है वो मन में होता है, और मन में श्रद्धा भाव तो ये बाबाओं के लिए भी होता है, जब भी तो महिलाएं जाती हैं, सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, अपने हस्बैंड को गुमराह करती हैं, बच्चों को गुमराह करती हैं। लेकिन सर वो परिवार को छोड़ के कहीं भी आप चले जाइए, आपको कहीं संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप जितना अपने परिवार को सुख देकर अपने आसपास के मतलब लोगों को, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दूसरे मतलब गरीब लोगों के या किसी भी चीज़ की किसी की मदद कर देंगे तो उससे जो संतुष्टि मिलती है, शायद वहाँ जाकर अपने बुजुर्गों की सेवा करके जो संतुष्टि मिलती है वो कहीं बाहर जाकर ऐसे नहीं मिल सकती। नहीं मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो महिलाएं जो अंधविश्वास में फंसी हुई हैं उनको अंधविश्वास में से कैसे निकाला जाएगा? उनको सर जागरूक करके इस अंधविश्वास से निकाला जाएगा, उनको पढ़ाई के प्रति मतलब बताकर, पढ़ाई से रिलेटेड बातें बताकर उनको मतलब समझाया जाएगा इस तरह से, तभी वो इस अंधविश्वास से निकल पाएंगी। और मतलब जैसे कोई रोजगारों में, छोटे छोटे रोजगारों के लिए उनको शिक्षित करके उनको अंधविश्वास से बाहर निकाला जाएगा। एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की तह तक जाने के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है।